हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल हम क्लास 11 फिजिक्स का 6th चैप्टर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कार्य को समझा था और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सदिशों के अदिश गुणन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है कार्य, जिसे हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं। कार्य यह हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। कार्य का अर्थ होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को हम कार्य कहते हैं। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि कार्य एक ऊर्जा का एक रूप ही है, अर्थात कार्य तभी किया जा सकता है जब किसी वस्तु के अंदर कुछ ऊर्जा हो, कुछ एनर्जी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्य का जो मात्रक होता है, जिसे हम जूल कहते हैं, वही हम हमारी ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो सबसे पहले हम कार्य की परिभाषा लिखते हैं। हम लिखते हैं बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। तो हम कह रहे हैं इसमें दो बातें आई, एक तो हमें क्या चाहिए, बल चाहिए, और दूसरा बल लगने के कारण विस्थापन भी होना चाहिए। यदि यह दोनों घटनाएं घटित होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो भी बल है उसके द्वारा कार्य हो रहा है। तो हम कार्य का सूत्र लिख सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब हम कहते हैं कार्य को यदि W से प्रदर्शित करा जाए तो ये हो जाएगा बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को मान लेते हैं हम D से प्रदर्शित करते हैं। कार्य एक अदिश राशि है जबकि बल तथा विस्थापन एक सदिश राशि है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं जहां कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अब हमने कहा कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन, और बल और विस्थापन हमने कहा दोनों सदिश राशियां हैं, पर इन दोनों का जो परिणाम निकल के आ रहा है वो है अदिश। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, यदि दो सदिशों की गुणा करने के पश्चात उनका परिणामी अदिश आए तो इस प्रकार के सदिश के गुणन को हम कहते हैं अदिश गुणन, और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। हम इसी को इस रूप में लिख सकते हैं, W बराबर F इंटू D इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा किस किस के बीच का, एफ तथा डी के बीच का कोण है। अर्थात थीटा क्या है, एफ तथा डी के बीच का कोण है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला आ गया वह यह आ गया, W बराबर F गुणा डी कॉस थीटा। अब देखिए हम एक और परिभाषा यहां से हम जनरेट कर सकते हैं, इस वाले सूत्र से हम लिख सकते हैं कि हमने एक इस प्रकार से एक वस्तु ली, इस वस्तु पर मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से एक बल लगाया F बल, और इस बल के कारण वस्तु इस दिशा में क्षैतिज दिशा में इस दिशा में इसका विस्थापन हो गया, मान लेते हैं डी डी विस्थापन हो गया। हम कहते हैं लगाया गया बल जिस दिशा में लग रहा था और जिस दिशा में वस्तु विस्थापित हुई, इन दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं क्या है, थीटा। अब हमने जैसे पीछे आपको बताया था, हमने कहा था यदि इस बल का इस विस्थापन की दिशा में घटक देखा जाए तो कैसे निकालेंगे घटक को। हमने कहा था कि एक इस बिंदु पर एक लंब खींच दीजिए, एफ से इस दिशा में क्षैतिज तल पर भी या क्षैतिज दिशा में भी आप एक लंब खींचिए और ऊर्ध्वाधर पर भी एक लंब खींच लीजिए। यह जो घटक होता है यह ऊर्ध्वाधर घटक होता है, जिसे हम कहते हैं एफ साइन थीटा, और यह जो घटक होता है यह होता है क्षैतिज घटक, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं एफ कॉस थीटा। और यह एफ कॉस थीटा किसकी दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम परिभाषा लिखते हैं या जो लिखते हैं सूत्र W बराबर F गुणा डी कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर D गुणा F कॉस थीटा, यानी कि D
जो विस्थापन है, और एफ कॉस थीटा है बल का विस्थापन की दिशा में घटक। तो हम यहां से एक और परिभाषा हम कह सकते हैं, कार्य की निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक तथा विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है? किसी बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल कौन सा लिया हमने? ये बल ले लिया, द्वारा किया गया कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक। तो बल का विस्थापन की दिशा में घटक कौन सा है? हमने लिया एफ कॉस थीटा। तथा विस्थापन के परिमाण, विस्थापन क्या था? डी। इसका परिमाण यानी कि दिशा नहीं लेनी है, केवल परिमाण लेना है। विस्थापन क्या आ गया? डी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? कार्य। तो यानी कि यही अर्थ हुआ, डब्ल्यू बराबर डी इंटू एफ कॉस थीटा, जहां डी विस्थापन का परिमाण है, एफ कॉस थीटा बल का विस्थापन की दिशा में हम कह सकते हैं घटक है। तो सूत्र तो वही निकलेगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब हम कहते हैं कि यह कैसी राशि है W? हमने कहा था यह एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक लिखें, कार्य का मात्रक, देखिए यहां से आप देखिए, कार्य बराबर है F है बल और D है विस्थापन, तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और इसी मात्रक को हम एक नए शब्द जिसे हम कहते हैं जूल, इससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर। यह तो हमारा मात्रक होता है एम के एस पद्धति में। यह किस पद्धति में मात्रक है? हम कह सकते हैं एम के एस पद्धति में। यदि सी जी एस पद्धति में कार्य का मात्रक निकालें तो लिखेंगे सी जी एस पद्धति में कार्य का मात्रक। तो इसी रूप में निकालें तो देखिए सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है उसे हम कहते हैं डाइन, और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में होगा वो होगा डाइन। और इसी को हम एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे यहां पर ये जूल के बराबर होता है वैसे यहां ये अर्घ के बराबर होता है। और जो हमारा जो एक अर्घ होता है, इन दोनों में यदि रिलेशन बताएं तो हम कहें एक अर्घ बराबर होता है 10^-7 जूल के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं 1 जूल = 10^-7 अर्घ के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रकों को समझ सकते हैं। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं यह हमारा कार्य, जिसका सूत्र है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बेसिक सूत्र तो हमारा यही है। यह किन किन स्थितियों में हम कह सकते हैं शून्य हो सकता है? तो हम लिखते हैं कार्य शून्य होगा। किन किन स्थितियों में शून्य होगा? पहला, जब F बराबर शून्य हो, यानी कि क्या कहते हैं हम, बल शून्य हो। यदि बल ही शून्य हो तो हम जानते हैं चूंकि W बराबर होता है F इंटू डी, क्योंकि लिखते हैं चूंकि W बराबर होता है F इंटू डी, लिखेंगे यदि F बराबर 0 हो जाए तो W बराबर हो जाएगा 0 × D, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो किया गया कार्य तब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो भले ही वो किसी भी रूप से विस्थापित हो, सामान्यतः तो हमारा जो जड़त्व का नियम कहता है या न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, या एक समान
रूप से किसी सरल रेखा में गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो उस स्थिति में विस्थापन तो नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं यदि कार्य तब शून्य होगा यदि बल क्या होगा, शून्य होगा। तो पहली स्थिति हमारी ये है। दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं जब विस्थापन शून्य हो, डी की वैल्यू क्या हो, जीरो, अर्थात विस्थापन शून्य है, विस्थापन शून्य है, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसमें सूत्र लगाएं, डब्ल्यू बराबर हो गया एफ इंटू डी, चूंकि डी बराबर जीरो है तो ये हो जाएगा एफ गुणा जीरो, तो किया गया कार्य बराबर क्या हो गया, शून्य। अर्थात हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन किसी कारण से यदि विस्थापित वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक जैसी है, तो हम कहेंगे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है, तो भले ही वो पसीना पसीना हो जाए थोड़ी देर में, भले ही वो थक करके चूर हो जाए, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि विस्थापन शून्य है। तो ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति हम ले रहे हैं जब थीटा बराबर हो 90 डिग्री। हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर बल तो लग रहा है इस दिशा में और वस्तु का विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, यह बल की दिशा है और यह हम क्या कह रहे हैं, विस्थापन की दिशा है, डी की दिशा में। यदि ऐसी स्थिति है और इन दोनों के बीच का कोण, यह कोण 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में भी किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं W बराबर होता है वेक्टर F इंटू वेक्टर D, यानी कि होता है F इंटू D इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब थीटा बराबर यदि 90 हो जाए, हम लिखते हैं थीटा बराबर 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और कॉस 90 की वैल्यू यदि जीरो हुई तो किया गया कार्य W बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू डी इंटू कॉस 90, यानी कि गुणा जीरो, यानी कि जीरो। तो किया गया कार्य क्या है, शून्य है। इसका एक एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड पर कुली जो होता है अपने सिर पर सामान लेकर के चलता है, तो यदि उसके द्वारा कार्य की गणना की जाए तो वह शून्य के बराबर आएगी, क्योंकि जब वह किसी भारी वस्तु को अपने सिर के ऊपर लगता है तो बल किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, जबकि वह आगे की ओर चलता है तो विस्थापन आगे की तरफ है, बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो हम कहते हैं उसके द्वारा किया गया कार्य इस सूत्र से क्या निकल के आता है, शून्य निकल के आता है, अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब हम यहां पर एक बात और कहते हैं, हम कहते हैं ये जो कार्य है इसकी तीन तो हमने शून्य स्थितियां निकाल दी, कार्य धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो हम लिखते हैं कार्य धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कार्य केवल धनात्मक ही हो, कार्य का ऋणात्मक परिमाण भी आ सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए हम सूत्र जानते हैं, कार्य का सूत्र है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, W बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा की वैल्यू ऋणात्मक आ जाए तो हम कहते हैं कार्य की वैल्यू भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कोई वस्तु इस प्रकार से थी, इस वस्तु पर हमने इस दिशा में बल लगाया एफ, लेकिन इस दूसरी वस्तु में विस्थापन हो गया इस दिशा में। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का कोण कितने हैं, 180 डिग्री है, यानी कि थीटा का मान 180 है, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो किया गया कार्य W बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है -1 लिखेंगे, चूंकि कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो W बराबर हो गया F इंटू डी इंटू -1, तो W बराबर माइनस एफ इंटू डी के बराबर होगा। तो यहां तो हम देख रहे हैं जो किया गया जो हमारा कार्य है W, वह क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने कार्य को समझा, अब हम समझते हैं गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, गतिज ऊर्जा, अर्थात शब्द से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी ऊर्जा
जो गति के कारण उत्पन्न हो रही हो। तो हम परिभाषा कैसे देख सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी परिभाषा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का अर्थ ही है कार्य करने की क्षमता। तो हम इस परिभाषा को लिख लेते हैं, हम कहते हैं किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में से काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसलिए इसका पहला लेटर के से प्रदर्शित करते हैं। हम यहां परिभाषा से स्पष्ट है कि वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है के, वो बराबर है कार्य यानी कि डब्लू के। और हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन को मान लेते हैं हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ इंटू डी। अब हम कहते हैं कि जब कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन और जो किया गया कार्य है वही वास्तव में किसी वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी बात को हम किसी दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। तो हम इसको सिद्ध करते हैं, हम कहते हैं कि हम कहते हैं माना एक वस्तु ली हमने, इस प्रकार से कोई एक वस्तु ली, इस वस्तु पर हमने एक बल लगाया, इस प्रकार से बल लगाते हैं। तो प्रारंभ में मान लेते हैं यह वस्तु विरामावस्था में थी, यानी कि u बराबर क्या था, जीरो। इस पर f बल लगाया इस दिशा में, जिसके कारण यह वस्तु यहां से यहां पहुंच गई, और इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। बाद में इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। और कहते हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक चलने में जो दूरी इसने तय करी, मान लेते हैं वह दूरी है, इसको हम d से प्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर हम इसको डी को डी ना लिख करके एस लिख लेते हैं। तो हमने कहा चली गई दूरी मान लेते हैं किसके बराबर है, एस के बराबर है। तो हम कहते हैं कि गति के हमने तीन समीकरण पढ़े थे, अब गति के तीसरे समीकरण पे यदि हम गौर करें तो लिखते हैं माना, पहले इसको स्टेटमेंट पूरा कर लेते हैं, माना एम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तथा उस पर F बल लगाकर बल लगाया जाता है तथा वह S दूरी या S दूरी विस्थापित होने पर उसका वेग v हो जाता है। तो अब हम कहते हैं गति के तृतीय समीकरण से, तो लिखते हैं गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण का हमारा सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां s चली गई दूरी है। तो हम कहते हैं सूत्र हमारा यह है, चूंकि u का मान क्या है, जीरो, हम कह रहे हैं प्रारंभिक वेग वस्तु क्या क्या था, जीरो था, क्योंकि वस्तु किस स्थिति में थी, विरामावस्था में थी। तो हम कहते हैं u बराबर यदि जीरो है तो यहां हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर हो गया, u की वैल्यू जीरो तो ये हो गया 2as के बराबर। यहां से यदि s का मान निकालें तो s बराबर 2a इसके नीचे चले जाएगा, तो यह आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। मान लेते हैं यह वाली थी हमारी समीकरण एक और यह है हमारी समीकरण दो। तो हम लिखते हैं समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक कह रही है k बराबर है f गुणा s के,
के बराबर है एफ गुणा एस के। तो हम लिख सकते हैं के बराबर एफ, एफ यानी कि है बल, और बल बराबर हम जानते हैं ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, साथ में हो गया एस विस्थापन। यदि समीकरण दो से विस्थापन का मान, एस का मान यहां पर रख दिया जाए तो हम कहते हैं समीकरण दो से एस का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर एम इंटू ए इंटू एस का मान आ गया वी स्क्वायर अपॉन टू ए, तो लिख लेंगे वी स्क्वायर अपॉन टू ए। तो देखिए ए से ए कट गया तो हमारा के बराबर आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम गतिज ऊर्जा को समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा हम कहते हैं एक अदिश राशि है, लिख लेते हैं यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो इस प्रकार से हम गतिज ऊर्जा को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय हम कहते हैं, देखो दो शब्द हैं, एक है कार्य और एक है ऊर्जा। कार्य हम समझ चुके हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं, और ऊर्जा का अभी एक रूप जो हमने पढ़ा है, वो जो हमने समझा है, वह है गतिज ऊर्जा। और इसी गतिज ऊर्जा को हम यहां पर ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाएंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय से तात्पर्य होता है कि जब किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं तो उसके गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन आता है वह वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, हम लिखते हैं किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि किया गया कार्य W बराबर हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई, जहां के एफ किसी वस्तु की अंत में फाइनल, एफ यानी कि फाइनल अंत में जो गति जुड़ जा रहा हो, के आई किसी वस्तु की प्रारंभ में जो गति जुड़ जाती, वह इन दोनों का जो अंतर है वह उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अब हम इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं, हम कहते हैं मान लेते हैं हमने एक पिंड लिया, हमने एक इस प्रकार से एक वस्तु ली। यह वस्तु मान लेते हैं प्रारंभिक वेग इसका था u, और इस वस्तु का द्रव्यमान है मान लेते हैं m। यह प्रारंभिक वेग u से चल रही थी, हमने इस वस्तु पर एक बल लगाया, और बल लगाने के कारण यह वस्तु यहां से विस्थापित होकर के हमने कहा यहां पर पहुंच गई। हम कहते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं s से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यह s दूरी जब वस्तु पहुंची f बल लगाने के कारण, हमने बल कितना लगाया f बल लगाया, तो इसका जो वेग था वो हो गया v। तो हम कहते हैं कि इसके द्वारा कुल कितना कार्य किया गया। तो हम सूत्र तो जानते हैं, हम जानते हैं माना m द्रव्यमान के पिंड जो कि प्रारंभिक वेग वेग u से गतिशील था, m द्रव्यमान के पिंड पर f बल लगाया जाता है, लगाया जाता है जिससे वह
जिससे वह s दूरी विस्थापित हो जाता है तथा उसका वेग v हो जाता है। तथा उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो हम कहते हैं अतः किया गया कार्य, अतः किया गया कार्य। तो कार्य W बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन, इसके बराबर होगा। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम फिर से गति के तृतीय नियम का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार से हमने यहां गति ऊर्जा निकालने में किया था, यह डेरिवेशन ठीक इसी डेरिवेशन की तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं? हम लिखते हैं कि माना पिंड s दूरी विस्थापित होता है तथा उसमें बल के द्वारा एक त्वरण उत्पन्न होता है। कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है? एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है जब हम बल लगा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि गति के तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण कहता है वी स्क्वायर बराबर होगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के बराबर होगा। हम यहां से एस का मान निकालना चाह रहे हैं तो यू स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। तो हमें एस का मान चाहिए तो एस को यहां रखेंगे, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो एस का मान हमें यहां से ज्ञात हो गया। यह एस का मान समीकरण एक में रखते हैं, लिखते हैं समीकरण एक में एस का मान रखने पर, तो देखिए मान रखेंगे तो ये हमारा है W बराबर बल, तो हमारा आ गया F इंटू एस की वैल्यू हम यहां से रख रहे हैं, ये हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। अब हम बल का मान भी यदि रख ले, F बराबर होता है M इंटू A गुणा साथ में आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। तो देखिए 2A में से A कट जाएगा, तो साथ में इसके अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर के बराबर आएगा। और ये एम वी स्क्वायर क्या है? अंत में वस्तु का वेग, यहां पर अंतिम स्थिति में वस्तु का वेग, यानी कि इसे के एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो है 1/2 एम यू स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं के आई, यानी कि प्रारंभ में इनिशियल में वस्तु की गति ऊर्जा ये अंत में वस्तु की गति ऊर्जा है और ये प्रारंभ में वस्तु की गति ऊर्जा है, और इन दोनों का अंतर किए गए कार्य W के बराबर होगा। और यही हमारी क्या थी? कार्य ऊर्जा प्रमेय थी। आप चाहें तो यहां लिख सक भी सकते हैं जहां के एफ बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर तथा के आई बराबर 1/2 एम यू स्क्वायर के बराबर होगा, या यहां पर लिख भी सकते हैं W बराबर डेल्टा के बराबर होगा, यानी कि किया गया कार्य वस्तु में जो गति ऊर्जा में जो परिवर्तन आया उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझ सकते हैं। दोस्तों आज हमने कार्य को समझा, कार्य की विभिन्न परिस्थितियों को समझा जब कार्य शून्य हो सकता है, साथ ही हमने यह भी समझा कि कार्य कब धनात्मक होगा तथा कब ऋणात्मक होगा। उसके बाद हमने गति ऊर्जा को समझा और गति ऊर्जा के सूत्र का हमने निगमन भी किया है। बाद में हमने अंत में कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध किया। यह जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका अच्छे से अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।